नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टप्पर जी के स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मई मंथ का जो हमारा बेस्ट 300 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसका पार्ट थ्री ये वीडियो है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, जाकर डाउनलोड कर लेना। ओके, वीडियो को पूरा एंड तक देखना फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें लिए गए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य कोविड आइटम दान पर GST की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला पहला राज्य है? राइट आंसर है हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उन COVID-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने MSME और कृषि क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों के पेशकश करते हुए अपनी पूरी तरह से डिजिटाइज्ड ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है IDBI बैंक। प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला? राइट आंसर है 23 मई को। 2024 तक 3 साल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है नरेंद्र बात्रा को। किस बैंक ने ट्रू बिकन ग्लोबल की गिफ्ट IFSC वैकल्पिक निवेश कोष यानी कि AIF को भारत का पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि FPI लाइसेंस जारी किया है? सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। भारत में अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन कब होना है? सही आंसर है अक्टूबर 2022 को। एटियना ग्लिचिच पुरस्कार किस खेल से जुड़ा है? सही आंसर है हॉकी। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है राजेश बंसल। किस देश ने ग्लोबल G20 समिट 2021 की मेजबानी की है? सही आंसर है इटली। फोर्ब्स सबसे ज्यादा पेड एथलीट 2021 की सूची में कौन सबसे ऊपर है? राइट आंसर है कोनोर मैकग्रेगर। पशु आसूचना और मानवता पर जीवन के काम के लिए 2021 टेम्पल्टन पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है जैन गुडाल ने। किस फुटबॉल क्लब ने ला लीगा खिताब 2020-21 को जीता है? सही आंसर है एथलेटिक मद्रिद। प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के लिए 2021 अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय यानी कि थीम क्या है? सही आंसर है वुमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स एंड फिस्टुला नाउ। द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्राप्तकर्ता OP भरद्वाज किस खेल के साथ जुड़े थे जिनका निधन हो गया है? सही आंसर है बॉक्सिंग। निम्नलिखित में से किस देश ने चक्रवात यास का नाम दिया है? सही आंसर है ओमान। भारतीय और एशियाई भूराजनीति द पास्ट प्रेजेंट नामक एक पुस्तक का लेखक कौन है? सही आंसर है शिवशंकर मेनन। विश्व कछुआ दिवस अमेरिका कछुआ बचाव एक गैर लाभकारी संगठन द्वारा मनाया जाता है कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड टर्टल डेज। सही आंसर है 23 मई को मनाया जाता है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता है? सही आंसर है मैक्स वर्स्टापेन ने। निम्नलिखित में से कौन नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर है अवतार सिंह भासीन। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग अरबपति इंडेक्स में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की रैंक क्या है? सही आंसर है 13 यानी कि 13 है। 2021 से 25 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF परिषद के सदस्य के रूप में किसको चुना गया है? सही आंसर है हेमंत बिस्व शर्मा। विश्व कछुआ दिवस 2021 का विषय यानी कि थीम क्या है? वर्ल्ड टर्टल डे 2021 का।
राइट आंसर है टर्टल रॉक्स। राज्य का नाम क्या है जिसने अनाथ बच्चों के लिए सीएम वात्सल्य योजना शुरू की है? राइट आंसर है उत्तराखंड। नासा चंद्रमा पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल डैश रोबोट भेजेगा? सही आंसर है कब भेजेगा, तो आंसर है 2023 को भेजेगा। किस संस्था ने $50 बिलियन वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव किया है जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी का कम से कम 40% कवर करेगा? तो इसका राइट आंसर है IMF। राम लक्ष्मण उर्फ विजय पाटिल का क्या पेशा था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? सही आंसर है म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक संगीतकार थे। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? सही आंसर है अनवी भूटानी को, अनवी भूटानी। किस राज्य ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है? सही आंसर है हरियाणा। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस यानी कि वर्ल्ड थायराइड दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सही आंसर है 25 मई को। राष्ट्रमंडल दिवस 2021 का थीम यानी विषय क्या है कॉमनवेल्थ डे 2021 का? सही आंसर है डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 24 मई को। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है साजी NM को, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड कहाँ स्थित है यानी कि आइस बिगेस्ट आइसबर्ग? राइट आंसर है वेडल सी पर। चीनी वैज्ञानिक युआन लंगपिंग का निधन हो गया, वह किससे जाने जाते थे? सही आंसर है वो हाइब्रिड हुए यानी कि हाइब्रिड गहम गेहूं के लिए जाने जाते थे। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार ने अपनी ऑक्सीजन जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता यानी कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है? सही आंसर है महाराष्ट्र। कौन सा राष्ट्र कोविड 19 वेरिएंट का पता लगाने के लिए एक वैश्विक महामारी रडार विकसित किया है? सही आंसर है यूनाइटेड किंगडम। डेविड बर्निया ने मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है, किस राष्ट्र की जासूसी एजेंसी है मोसाद? सही आंसर है इजराइल। निम्नलिखित में से किसने जेनेवा ओपन 2021 जीता है? सही आंसर है कास्पर रूड। कॉलिनेट माकुसो को देश का पीएम यानी कि किसका पीएम नियुक्त किया गया है? सही आंसर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ली इवांस का 74 ईयर में निधन हो गया है, वो एक प्रसिद्ध क्या थे? सही आंसर है वो एक स्प्रिंटर थे, स्प्रिंटर यानी कि धावक थे। 74 भी विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है हर्षवर्धन ने की है, यूनियन मिनिस्टर हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के साथ भारत ने कृषि में सहयोग के लिए 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है इजराइल के साथ। 2020-21 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% बढ़कर डैश हो गया है, कितनी तक हो गया है? सही आंसर है $59.64 बिलियन हो गया है। बार्कलेज ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP की वृद्धि का अनुमान कितना प्रतिशत तक लगाया है? सही आंसर है 7.7% तक। जिसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? सही आंसर है सुबोध जायसवाल। किस कंपनी ने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 जीता है? राइट आंसर है स्पेसी हेल्थ। वैसाख दिवस 2021 कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 26 मई को।
मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम नया नाम क्या है? राइट आंसर है ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। एनपीसीआई ने व्यापारियों को भारतीय दुकानों में संपर्क रहित भुगतान स्वीकार करने में मदद करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है, यानी कि समझौता किया है? सही आंसर है पेकोर, पेकोर के साथ किया है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था ने क्या अनुबंध किया है? सही आंसर है 7.3%। मंत्रिमंडल ने किसके अड्डू शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूत को खोलने का मंजूरी दी है? सही आंसर है मालदीव्स के अड्डू शहर में। कौन सा बैंक अपने एनआरआई कस्टमर सेगमेंट को ऑनलाइन अकाउंट खोलने में आसानी की पेशकश करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है? राइट आंसर है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। आधिकारिक तौर पर 5 जुलाई को अमेजन का सीईओ कौन बनेगा? राइट आंसर है एंड्रयू आर जेसी। बॉलीवुड अभिनेता किसने अपनी आत्मकथा सच कहूँ तो प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को लॉन्च करने के लिए तैयार है? राइट आंसर है नीना गुप्ता। 2021 में कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियां ने $1 अरब का वैल्यूएशन पार किया है? सही आंसर है 14। एचएस दुरेस्वामी का निधन हो गया, वो एक क्या थे? सही आंसर है वो एक फ्रीडम फाइटर थे। ओके, गिलर्मो लासो को निम्नलिखित देश के किस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सही आंसर है इक्वेडर के। चीता को इस साल कुनो नेशनल पार्क में फिर से देश में पेश किए जाने की उम्मीद है। कुनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में है। 47वें FIH कांग्रेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है भी कार्तिकेयन पांड्यान। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन विदेशी संगठनों ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ये सभी, CIA ऑस्ट्रेलिया की, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट UK की, और ये भी UK की चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी, ये सभी साइन किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने योग के साथ हो घर पर हो विषय के तहत 5 वेबिनारों का श्रृंखला का ऑर्गेनाइज किया था? सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुडोल्फ वी सिल्डर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही आंसर है डी नागेश्वर रेड्डी। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नल पंजाब सिंह का निधन हो गया, वो किस ऑपरेशन से संबंधित थे? सही आंसर है ऑपरेशन कैक्टस लीली। एक आभासी सम्मेलन में भाग लेने वाली इंपोर्टर्स का पता लगाने के लिए एक अद्वितीय डिटेक्टर फेक बस्टर किसने देश ने विकसित किया है, यानी कि फेक बस्टर को किसने विकसित किया है, किस ने? सही आंसर है IIT रूपार और मोनास यूनिवर्सिटी ने फेक बस्टर की डेवलप किया है। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल माइकलसन ने प्रमुख खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा है, वो किस खेल से आयोजन से जुड़ा है? सही आंसर है गोल्फ से जुड़े हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण से संबंधित प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए कौन सा देश, यानी कौन सा कंट्री एक नई पृथ्वी प्रणाली वेधशाला तैयार कर रहा है? सही आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। सरकार द्वारा टेली मेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए सेहत OPD पोर्टल शुरू किया गया है? तो सही आंसर है आर्म फोर्स को सेवाएं प्रदान करने के लिए ये सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी ने
इन्वेस्टमेंट फंड्स पर एक एक्सपर्ट कमिटी का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है, यानी कि चेयरपर्सन कौन है? ओके, सही आंसर है नीलेश शाह है, चेयरपर्सन नीलेश शाह है। 2021 प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियम अवार्ड जीतने वाली भारतीय का नाम क्या है? सही आंसर है अमर्त्या सेन। किस राज्य ने केंद्र और राज्य सरकार की नीति के अतिक्रमण की निगरानी के लिए गार्जियन मंत्रियों की, या सॉरी गार्डियन मिनिस्टर्स की नियुक्ति की है? सही आंसर है आसाम। इन वैज्ञानिकों में से किसे इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 से नवाजा गया है? सही आंसर है सीएनआर राव को। विश्व भूख दिवस यानी कि वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 मई को। टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में खानापन करने वाला भारत का एकमात्र रेफरी कौन है? सही आंसर है अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? सही आंसर है जगतजीत पावदिया को। किस बैंक ने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जुड़ने के लिए एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? सही आंसर है ICICI बैंक। भारत वायुसेना में भारत की पहली और एकमात्र महिला कौन है उड़ान परीक्षण इंजीनियरिंग के लिए अर्हता प्राप्त की है? सही आंसर है आश्रिता भी ओलेटी। भारत के सभी आकांक्षी जिलों के जनजातीय समूहों को समूह में वन धन योजना को लागू करने के लिए किस किस ने भागीदारी की है? सही आंसर है ट्रिफेड और नीति आयोग ने पार्टनरशिप किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट अभियान एक्सपीडिशन से जीवन और व्यापार से 7 सबक शीर्षक से शुरू की गई एक नई पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? सही आंसर है आदित्य गुप्ता। अंतर्राष्ट्रीय गैर स्वशासी क्षेत्रों को लोगों के साथ एकजुटता सप्ताह कब से मनाया जाता है? सही आंसर है मई 25 से 31 को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वीक ऑफ सॉलिडारिटी विद पीपल ऑफ नॉन सेल्फ गवर्निंग टेरिटोरीज। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू की है? सही आंसर है केरल ने। महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ? सही आंसर है मई 28 को। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया है? सही आंसर है क्रिस्टीन ओरमुथ को। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2020-21 में प्रचलन में बैंक नोटों की मूल्य और मात्रा में क्रमशः कितनी कितनी बढ़ गई है? सही आंसर है 16.8% और 7.2% रेस्पेक्टिवली बढ़ गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 का विषय क्या है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स? सही आंसर है द रोड टू ए लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी। एमनेस्टी इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है 28 मई को। टाटा डिजिटल ने बिग बास्केट में कितनी परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है? सही आंसर है 64% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 29 मई को। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2021 का थीम यानी विषय क्या है? सही आंसर है ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पेंडेमिक। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीसकीपर? सही आंसर है 29 मई को। वाणिज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है BVR सुब्रमण्यम को। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक बैंकों द्वारा बताई गई धोखाधड़ी 2020-21 में मूल्य के लिहाज कितने प्रतिशत से 1.38 लाख करोड़ रुपए तक गिर गई है? सही आंसर है 25% से।
बशर अल असद को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है? सही आंसर है सीरिया की। सांग इन हुंग ने सिर्फ 26 घंटे में एक महिला द्वारा एवरेस्ट की दुनिया की सबसे तेज चढ़ाई दर्ज की है, वो किस देश से है? सही आंसर है हांगकांग। ये जो सांग इन होंग है ये हांगकांग के हैं। ओके, ये 26 घंटे में एवरेस्ट पार किया है। लॉरेंस डेस कारें लवर संग्रहालय की पहली महिला प्रमुख बनकर इतिहास रची है। ये लवर संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है पेरिस फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले भारतीय शांति रक्षक कौन बने हैं? सही आंसर है ये तीनों बने हैं, मूलचंद यादव, इवान माइकल पिकाडो, कॉर्पोरल युवराज सिंह। ओके, इनको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सामंता गोयल को एक साल के एक्सटेंशन दिया है, वो किसके प्रमुख हैं? सही आंसर है रॉ रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा लेखकों को सलाह देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई नई प्रधानमंत्री योजना का नाम क्या है? सही आंसर है युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDFC बैंक पर RBI ने कितनी रकम का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? सही आंसर है 10 करोड़ रुपया। ओके, इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स।